अभय जी, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई? थोड़ा मैं विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जनता के बीच में 2022 का जो ये चुनाव है, क्या कौन सी बातें या कौन से मुद्दे लेके आप पहुंचे हैं? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पे है। दलितों पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा है। शोषित वंचित समाज को उनका हक नहीं मिल पा रहा। वर्तमान में ये राजनीति इस तरह चल रही है, बड़ी छोटी राजनीति चल रही है, उस पर आपका क्या कहना? लोग कहते हैं कि आप बाहुबली हैं और माफिया हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं जनता के लिए? 15 साल में बताइए, मैं फैजाबाद में रह रहा हूँ, लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, कौन सा मुकदमा लगा, कौन आग कहा कि हमको अभय सिंह ने मारा पीटा? इसमें किससे मुकाबला है? हमारा मुकाबला एक तरफा चल रहा है, देखा जा रहा है क्षेत्र में। हमने सर्वे भी किया है, तो यहाँ ये दिख रहा है ज़्यादातर लोग जो दूसरे जनपद के हैं या प्रदेश में अपनी अच्छी खासा पकड़ रखते हैं, ऐसे चाहे रघुराज सिंह हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो, चाहे और भी ऐसे क्षत्रिय वर्ग के जो नेता हैं जो अपनी वर्चस्व रखते हैं, वो आपको हराने के लिए आपके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, उनको कैसे काउंटर दें? आप इस बार मैदान में आए हैं, रहते तो आप हैं, 5 साल लगातार रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, लेकिन जब से इधर चुनाव शुरू हुआ है तो आपके मतलब सपा के समर्थक और भाजपा के समर्थक कहीं ना कहीं आपस में कहीं ना कहीं मारपीट विवाद तक हो जा रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी वालों का मनोबल टूट गया है। वर्तमान प्रत्याशी हैं, उनकी पत्नी कहते हुए घूमती हैं कि हमको अभय सिंह ने, कि हमारे पति को जो है बड़े बड़े वकील खड़ा करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने और लोग अभय सिंह ने बंद करा दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल गए हैं, कोई कारगिल वार में जेल नहीं गए हैं, कोई जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों की लड़ाई लड़ने के जेल नहीं गए हैं। वो तो अपने हित के लिए फर्जी मार्कशीट लगाए और उसमें जेल गए वो, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक कोई गवाही दे चाहे ना दे, सजा तो उनको होनी ही थी। मजा वो लिए, सजा किसी और को मिलेगा, कार्रवाई होगी। आपके कुछ वाहन सीज हुए, क्या वाकई में आचार संहिता के उल्लंघन में सीज हुए हैं या किसी न किसी राजनीतिक प्रेरणा? ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है, और ऐसा नहीं है कि सरकार आज ही है, सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसे जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हम लोगों ने चिन्हित किया है। यहाँ से कहीं गाजीपुर से गाजियाबाद तक और गोरखपुर से जिले के झांसी तक जहाँ भी रहेंगे सबको ढूंढ ढूंढ कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर। आप मुख्तार जी के काफ़ी करीबी हैं। नमस्कार, मैं हूँ अनुराग द्विवेदी, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। हम जहाँ पर यूपी की सियासत काफ़ी तेज है, वहीं पर आज अयोध्या जिले के गोसाईगंज विधानसभा में मौजूद हैं। आज हमारे साथ नेता नगरी एपिसोड में अभय सिंह जी मौजूद हैं, जो सपा से प्रत्याशी हैं। पिछले परसीमन के बाद 2012 में विधायक भी रहे हैं और बराबर पिछले इन 5 सालों में भले ही कोई विधायक दूसरा रहा हो, लेकिन जन जन तक लोगों से संपर्क बराबर बना के रखे हैं। तो आइए सीधे और कुछ न कह के सीधे दर्शकों से को सीधे आपसे बात कराते हैं, आपकी क्या राजनीतिक शुरुआत कहां से है, कैसे है, आइए इनसे जानते हैं। तो हमारे बीच में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं पहले से घटियापने षड्यंत्रकारी बात करते रहे, नहीं वर्तमान जो जेल में बंद हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में जिस तरीके से वसूली की है, चाहे कोटेदार हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे थाने के माध्यम से वसूली हुई, हमारे क्षेत्र की जनता से बहुत एक तरफा वसूली की गई है। तो वो लोग तो छोटे लोग का कहते हैं, छोटी हरकतें करने वाले लोग ही हैं। जो जनता ने उनको विधायक बनाया उसी जनता से अधिकारियों के माध्यम से शोषण हो रहा है, वसूली हो रही है, तो छोटे मन की बात है ही उनकी। लोग कहते हैं कि आप बाहुबली हैं और माफिया हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं जनता के लिए? 15 साल में बताइए, फैजाबाद में रह रहा हूँ, लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ, कौन सा मुकदमा लगा, कौन आग कहा कि हमको अभय सिंह ने मारा पीटा? आपका 2022 में किससे मुकाबला है? हमारा मुकाबला एक तरफा चल रहा है, 80 में हम लोग हैं और 20% में सब भाजपा और बसपा दोनों लड़ रही है, देखा जा रहा है क्षेत्र में। हमने सर्वे भी किया है, तो यहाँ ये दिख रहा है ज़्यादातर लोग जो दूसरे जनपद के हैं या प्रदेश में अपनी अच्छी खासा पकड़ रखते हैं, ऐसे चाहे रघुराज सिंह हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो, चाहे और भी ऐसे क्षत्रिय वर्ग के जो नेता हैं जो अपनी वर्चस्व रखते हैं, वो आपको हराने के लिए आपके क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं, उनको कैसे काउंटर देंगे? अब हमें तो कोई जानकारी है नहीं, क्षेत्र की जनता जानती है किसके साथ रहना है, कहाँ रहना है, किसे वोट करना है, कौन उनके दुख और सुख का भागीदार है, कौन सिर्फ चुनाव में वोट लेने आता है और उनका शोषण करता है 5-6 साल, ये जनता जानती है। अच्छा, लोगों का ये मानना भी है
कि जब से आप इस बार मैदान में आए हैं, रहते तो आप हैं 5 साल लगातार रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जाते हैं, लेकिन जब से इधर चुनाव शुरू हुआ है तो आपके मतलब सपा के समर्थक और भाजपा के समर्थक कहीं न कहीं आपस में कहीं न कहीं मारपीट विवाद तक हो जा रहा है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी वालों का मनोबल टूट गया है, वो होपलेस हो गए हैं, तो इसलिए वो किसी भी अच्छी चीज़ को बिगाड़ने के लिए लगातार उतारू हैं। वो झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपनी गाड़ी तोड़ते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं। अब जैसे झूठे वर्तमान प्रत्याशी उनकी पत्नी कहते हुए घूमती हैं कि हमको अभय सिंह ने, कि हमारे पति को जो है बड़े बड़े वकील खड़ा करके समाजवादी पार्टी के लोगों ने और लोग अभय सिंह ने बंद करा दिया। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि फर्जी मार्कशीट के मामले में जेल गए हैं, कोई कारगिल वार में जेल नहीं गए हैं, कोई जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और नौजवानों की लड़ाई लड़ने के जेल नहीं गए हैं। वो तो अपने हित के लिए फर्जी मार्कशीट लगाए और उसमें जेल गए वो, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तक कोई गवाही दे चाहे ना दे, सजा तो उनको होनी ही थी। मजा वो लिए, सजा किसी और को मिलेगा। अब उसको गलत तरीके से लोग घुमाते हैं। अरे डीएम उनका, एसपी उनका, कानून मंत्री उनका, मुख्यमंत्री उनका, सरकारी वकील उनका, डीजी अभियोजन उनका, और उसके बाद कहते हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गया। अरे वो इतना बड़ा अपराध था, लिखित अपराध था, जिसको कोई कोर्ट नहीं काट सकती, सुप्रीम कोर्ट तक से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपके कुछ वाहन सीज हुए, क्या वाकई में आचार संहिता के उल्लंघन में सीज हुए हैं या किसी न किसी राजनीतिक प्रेरणा के? ये बिल्कुल राजनीतिक रूप से कार्रवाई की जा रही है। ऐसे अधिकारी पोस्ट किए गए हैं जो हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन लें, और उनको चुनाव पहले ले आकर पोस्ट करा दिया गया है। उनके खिलाफ लगातार हम लोग शिकायत कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि सरकार आज ही है, सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ताएं आती जाती रहती हैं, लेकिन ऐसे जितने भी अधिकारी हैं उन सबको हम लोगों ने चिन्हित किया है। यहाँ से कहीं गाजीपुर से गाजियाबाद तक और गोरखपुर से जिले के झांसी तक जहाँ भी रहेंगे सबको ढूंढ ढूंढ कार्रवाई की जाएगी इनके ऊपर, जो हमारे ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे समर्थकों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, लोगों का ये मानना है कि जो ये क्षत्रिय जो दिग्गज नेता हैं जो आपके खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं, ये चर्चा या छन की आती है कि आप मुख्तार जी के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए ये लोग इस तरह है कि आप आगे न बढ़ पाएँ या आपका वर्चस्व कायम न रहे, इसलिए प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे खिलाफ प्रचार करने आ रहे हैं, कोई क्षत्रिय नेता प्रचार करने नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे आप वोटरों के बीच जा रहे हैं, आपका मुख्य मुद्दा क्या है, किस आधार पे मतलब आप चुनाव को अपना फेस कर रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, निवर्तमान विधायक ने जिस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में वसूली की है, कोटेदारों से, ठेकेदारों से, थानों और चौकी के माध्यम से गरीब जनता से वसूली की है। आज आप देखिए 112 नंबर आती है, जो फ़ोन करता है उसको पकड़ती है, और जो पीड़ित होता है उसको पकड़ती है, जो पीड़ा पहुंचाता है उसको पकड़ती है, और थाने ले आके दोनों से पैसा वसूली करती है। एक का पैसा अपने पास रखती है, एक का पैसा निवर्तमान विधायक के पास भेजती है। इस तरीके से वसूली करके हमारे क्षेत्र से दिया जा रहा है। अच्छा, राजनीति से हट के हम आपसे एक सवाल हमारा है कि आप इसके अलावा किस क्षेत्र में और रुचि रखते हैं? हम तो समाज सेवा, जनसेवा में रुचि रखते हैं। हमारे शरीर में, रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लहू है। हमारे परिवार के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जेल गए, हमारे नाना भी MP रहे दो दो बार, तो हम लोग तो सेवा ही करना जानते हैं, और सत्ता सेवा का सबसे अच्छा माध्यम होता है। सत्ता के माध्यम से हम लोग लोगों की ज़्यादा सेवा करते हैं। ये हैं अभय सिंह जी थे, जिनको आपने बेबाकी से सुना। अब यहाँ की जनता से भी हम कुछ लोगों से आगे अभी राय लेंगे, और दो बाहुबलियों में कौन महाबली बनता है, इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।